हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्यादा सोचने वाले लोगों की खास बातों के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनमें क्या क्या खास बातें होती हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली खास बात है कि समझदार होते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे ज्यादातर समझदार ही मिलते हैं, क्योंकि वे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले सामने वाले को अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद जो सामने वाला बोलता है उसको अच्छी तरह समझते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ बोलते हैं। वे ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते, वे पहले उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी बातों के पक्के होते हैं, वे कुछ भी नहीं बोल देते, वे पहले सोचते हैं, जो ठीक लगे उनको वही बोलते हैं। और ऐसे लोगों की खास बात यह होती है कि ऐसे लोग जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, और उनको लोगों की भी परख होती है। वे सामने वाले से बात करके पहचान लेते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, और वे ज्यादातर अपने जैसे लोगों के साथ ही बात करना पसंद करते हैं और अपने जैसे लोगों को ही दोस्त बनाते हैं। ऐसे लोगों का ये नेचर होता है, वे काफी समझदार मिलते हैं और उसको समझदारी लोग पसंद आते हैं। ये पहली खास बात होती है कि ज्यादा सोचने वाले लोग समझदार होते हैं। और दूसरी खास बात है, डिपेंडेंट नहीं होते। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे कभी किसी पे डिपेंड नहीं होते, वे खुद का काम खुद ही करना पसंद करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में उनसे भी खुद ही डील करते हैं। वे ज्यादा किसी की हेल्प भी लेना पसंद नहीं करते। ये उनका नेचर होता है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे समझदार मिलते हैं, और वे किसी पे डिपेंड भी नहीं होते, खुद का काम खुद करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं हो जाते। ये है दूसरी खास बात कि डिपेंडेंट नहीं होते। और तीसरी खास बात है, प्लान करते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे हमेशा हर काम को प्लान करके ही करते हैं। अगर आप किसी बंदे को जानते हो जो कि ज्यादा सोचता है, तो आप कभी भी देख लेना कि उसने हमेशा पहले से ही प्लान कर रखा होगा हर काम। उसे पता होगा कि आज उसको क्या काम करना है, उसका एक टाइम टेबल होगा और उस टाइम टेबल को फॉलो करता है, और जो काम वो प्लान करता है उन सबको कंप्लीट भी करता है और खुद ही करता है। ये उनकी खास बात होती है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे हमेशा अपने दिन को प्लान करके रखते हैं, और अगर आप किसी को जानते हो तो देख लेना वो एक या दो दिन आगे भी प्लान करके रखता है कि मैंने कल या परसों क्या करना है। ऐसे लोगों की खास बात होती है, वे अपने सभी काम टाइम पे कर देते हैं, वे किसी पे डिपेंड नहीं रहते, खुद का काम खुद करना पसंद करते हैं और सभी काम को टाइम से करते हैं, प्लान करके करते हैं, और वे बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये तीसरी खास बात है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे प्लान करके काम करते हैं और सभी काम को जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, खुद ही करते हैं और बिल्कुल टाइम पे सारे काम कंप्लीट कर देते हैं। ये है तीसरी खास बात कि प्लान करते हैं। और चौथी खास बात है, स्ट्रेस नहीं लेते। जो लोग ज्यादा सोचते हैं आप कभी भी देख लेना, वे ज्यादातर स्ट्रेस नहीं लेते, वे ज्यादातर खुशी रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होता, हमारा मूड ही खराब होता है, कोई प्रॉब्लम उससे सोल्व नहीं होती। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वे उसको सोल्व करना ज्यादा पसंद करते हैं, स्ट्रेस लेना बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि स्ट्रेस लेने से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती और ज्यादा बढ़ती है, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मूड भी खराब हो जाता है और हमारा पूरा दिन ही खराब निकल जाता है। वे लोग प्रॉब्लम को सोल्व करना पसंद करते हैं और उसको सोल्व कर भी लेते हैं खुद ही। ऐसे लोगों की खास बात होती है कि वे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, वे अपनी लाइफ को खुशी खुशी निकालते हैं और हर काम को वे जल्दी कर देते हैं, और किसी भी चीज में उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वे अपनी लाइफ को अच्छी तरह निकालते हैं, बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं वे लोग। ये है चौथी खास बात, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे कभी स्ट्रेस नहीं लेते, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनको सोल्व करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते। ये है चौथी खास बात कि स्ट्रेस नहीं लेते। और पांचवी खास बात है, अकेले खुश रहते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उन्हें अकेले रहना पसंद होता है, और वे लोग ज्यादा किसी के साथ घूमना फिरना बैठना भी पसंद नहीं करते, वे खुद की कंपनी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा लोगों में रहने से उनका कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादातर बातें ही चलेंगी और ऐसे ही उसका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज सीखना पसंद करते हैं, ताकि वे अपने आप को ज्यादा नॉलेज ले सकें और अपने आप को ज्यादा इंक्रीज कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ऐसे लोगों को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वे अपना हर घंटा हर मिनट हर सेकंड यूज करते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अकेले रहते हैं और हर काम को खुद कर देते हैं, टाइम पे कर देते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती उनको ऐसे कामों में, और वे हर काम को और हर प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व कर लेते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उन्हें अकेले रहना पसंद है और वे अकेले खुश रहते हैं, उन्हें किसी की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि अपने खुद ही काम सब खुद कर लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती उन्हें, और ऐसे लोग खुद की कंपनी भी ज्यादा पसंद करते हैं। ये है पांचवी खास बात कि अकेले खुश रहते हैं। ये हैं ज्यादा सोचने वाले लोगों की खास बातें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।